नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। क्या आप कुछ दिनों से बहुत घमंडी हो गए हैं? क्या आपको लगातार पेट की समस्या या उदर से संबंधित कोई परेशानी बनी रहती है? क्या आपका अपने जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो बिगड़ता जा रहा है या आपकी अपने जीवन साथी से नहीं बन पा रही है? क्या आपकी अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ नहीं बन पा रही है, जो बुजुर्ग लोग हैं या अपने से बड़े लोग हैं उनके साथ आपके अच्छे से नहीं बन पा रही है? क्या आपकी त्वचा रूखी रूखी सी रहने लगी है? ऐसी अगर समस्या है, इस प्रकार की कोई और भी समस्या है, तो इसका सीधा सीधा कारण है कि आपका जो बृहस्पति है वो कमजोर हो गया है या आपका बृहस्पति खराब फल देने लगा है। तो हम किस प्रकार से बृहस्पति को स्ट्रांग बना सकते हैं, हम कैसे पहचाने बिना कुंडली देखे कि हमारा बृहस्पति खराब है या कमजोर है या अच्छा है, किस प्रकार से हम पहचाने और इसके खराब होने के या कमजोर होने के क्या रीजंस हैं वो हम जानेंगे, साथ ही उसको कैसे स्ट्रांग किया जाता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते पहले लक्षणों की, ये ऐसे कौन से लक्षण है जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे कि आपका बृहस्पति कमजोर है, खराब है या नहीं है, आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले लक्षण की। तो अगर आपकी शिक्षा अचानक रुक जाए, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही थी, लेकिन शिक्षा बीच में अचानक रुक जाए, बार बार बीमार पड़ने लगे, आप किसी भी वजह से आप बीमार पड़ने लगे, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आने लगे, ठीक है, बार बार पर आपको गुस्सा आने लगे, आप घमंडी हो जाए, पहले आप घमंडी नहीं थे यानी इगोइस्टिक नहीं थे, लेकिन अब आप बहुत इगोइस्टिक हो गए हैं, शरीर मोटा हो जाए, यानी आप जिस प्रकार से व्यायाम कर रहे थे सब कुछ करें लेकिन फिर भी आपका शरीर अचानक मोटा होना शुरू हो जाए, लीवर की समस्या आपको हो जाए या लीवर की समस्या बनी रहे, अपने शिक्षक या अपने से बड़े लोगों के साथ आपका टकराव होने लगे यानी उनके साथ आपका मनमोटाव होने लगे, बृहस्पति, अब मैं आपको हाथ के थ्रू बताता हूँ कि अगर जैसे आप जानते हैं कि ये जो उंगली होती है इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, ये बृहस्पति की उंगली होती है, ये बृहस्पति की उंगली अगर शनि उंगली की तरफ यानी ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकने लगे, इस टाइप से झुकने लगे, तो समझिए कि आपका जो बृहस्पति है वो खराब हो गया है। साथ में बृहस्पति, ये देखिए इस उंगली इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो एरिया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं बृहस्पति का पर्वत, अगर ये पर्वत दब जाए, उठा हुआ नहीं हो, तो भी आपका बृहस्पति कमजोर है। साथ ही अगर इस पर्वत पे बहुत सारी कटी पटी लाइन हो तो भी आपका बृहस्पति कमजोर होता है, ठीक है, इस तरह से भी आप हाथ की रेखाओं से भी जान सकते हो कि आपका बृहस्पति कमजोर है या नहीं। आपका आचरण अचानक खराब लोगों की संगत में, यानी आपकी संगत खराब हो जाए, पहले आप अच्छे लोगों के साथ रहते होते लेकिन अब अचानक आप गलत लोगों के संगत में रहने लगे, अगर आपकी शिखा का स्थान यानी जहाँ पर चोटी होती है इंसान की, उस चोटी की जगह से आपके बाल उड़ जाए तो भी ये बृहस्पति के कमजोर होने की निशानी है। सर्प के सपने आने लगे आपको, बार बार सपने में आपको सर्प दिखने लगे, बेवजह अफवाह उड़ना शुरू हो जाए, आपके बारे में लोग गलत बातें करने लगे, गले में माला पहनने की आपको आदत पड़ जाए, बहुत सारी मालाएं पहनने लगे हर किसी की, सोना खो जाए या सोना चोरी हो जाए, आप अव्यवस्थित रहना शुरू करें, पहले आप बहुत व्यवस्थित रहते थे, जहाँ की चीजें वहीं पे रखते थे, लेकिन आजकल आपका जो रहने का लिविंग स्टाइल है वो अचानक बदल जाए, यानी हर कुछ किधर भी कोई भी चीज पड़ी अस्त व्यस्त तरीके से आप रहना शुरू कर दें, बड़े बूढ़े लोग आपके साथ बात करना या आपके साथ रहना पसंद नहीं करें, यानी आपको नापसंद करना शुरू कर दें, आपकी शादी होने में विलम्ब हो जाए, ऐसी चीजें हैं, ये कुछ लक्षण हैं जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो कि आपका जो बृहस्पति है वो कमजोर हो गया। लेकिन बृहस्पति कमजोर होने के क्या रीजन है, क्यों हो जाता है बृहस्पति कमजोर, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारण जिसके कारण बृहस्पति कमजोर होता है वो होता है अपने पिता से विवाद करने से, पिता का सम्मान न करने से, पिता से बात बात पर झगड़ने से, या पिता समान जो लोग होते हैं, पिता जैसे जो दूसरे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, उनके साथ अगर आपका व्यवहार बदल जाए, आपका व्यवहार खराब हो जाए, आप उनसे लड़ना शुरू कर दें या उनका अपमान करना शुरू कर दें, तो इससे बृहस्पति खराब हो जाता है। झूठ बोलने से, हर किसी बात पे, बात बात पे अगर आप झूठ बोलने की आपको आदत पड़ जाए, इससे भी आपका बृहस्पति कमजोर हो जाता है। शराब पीने से और मांस का सेवन करने से भी आपका बृहस्पति लगातार कमजोर होता चला जाता है। अगर आपके घर का जो मेन गेट है वो साउथ फेस्ट है तो भी बृहस्पति कमजोर हो जाता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, लेकिन अक्सर में ऐसा देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का घर का जो मेन गेट है वो साउथ फेस तरफ है तो उसका बृहस्पति कमजोर होता है। घर का जो ईशान कोण है
अब ईशान कोण किसको कहते हैं, जो आपका घर है उसका जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो कोना होता है उसको हम ईशान कोण बोलते हैं। अगर ईशान कोण किसी प्रकार से दूषित हो गया है, यानी वहां पे आपने वॉशरूम बना दिया है या वो बंद पड़ा हुआ है, वहां अंधेरा रहता है, कुछ भी वजह से अगर वो दूषित हो जाए तो भी बृहस्पति कमजोर हो जाता है। कुंडली के दूसरे पांचवें नवे और बारहवें भाव में अगर शत्रु ग्रह बैठे हो, बृहस्पति के जो शत्रु ग्रह हैं वो बैठे हुए हैं कुंडली में इन भावों में जो मैंने बताए, तो भी आपका बृहस्पति कमजोर हो जाता है। तो इन कारणों से बृहस्पति, किसी भी इंसान का बृहस्पति कमजोर हो जाता है, और भी बहुत सारे कारण हैं लेकिन ये कुछ ऐसे कारण हैं जो आप बहुत आसानी से देख सकते हो, तो इन वजह से बृहस्पति कमजोर हो जाता है। चलिए हमने देख लिया बृहस्पति कमजोर भी है हमारा और ये वजह भी हमारे साथ सामने दिख रही है, तो फिर हम हमारे बृहस्पति को किस प्रकार से स्ट्रांग बना सकते हैं, तो चलिए हम वो देखते हैं। चलिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे पहला उपाय कि आप सात्विक रहें, अच्छे से रहें, भगवान का पूजन भजन करें, यानी सात्विक तरीके से अगर रहते हो तो बृहस्पति स्ट्रांग हो ही जाता है। अगर आप अपने मस्तक पर केसर का या चंदन का या फिर हल्दी का तिलक लगाते हो तो उससे भी बृहस्पति स्ट्रांग होता है। बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हो, पिता से अच्छे संबंध रखते हो तो भी बृहस्पति स्ट्रांग होता है। अगर आप अपने नाक कान और दांत को साफ रखते हो तो भी आपका बृहस्पति स्ट्रांग रहता है। और सदा सच बोलने की आदत आपको बनानी ही चाहिए ताकि आपका बृहस्पति हमेशा ठीक रहे। येलो, व्हाइट और पिंक कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का सेवन करें। हल्दी मिला हुआ जल सूर्यदेव को अर्पित करें, इससे भी आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है। भगवान शिव की आराधना करें और गुरुवार के दिन मंदिर अवश्य जाए। वैसे मंदिर डेली ही जाना चाहिए लेकिन गुरुवार के दिन अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो गुरुवार के दिन आपको जरूर मंदिर जाना चाहिए। अंधे और निःशक्त लोग जो होते हैं, या तो आंखों से दिखता नहीं है या जिसका कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करें या किसी प्रकार से उनकी मदद करें। शिवलिंग पर मक्खन अर्पित करें। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ चना अवश्य दें। जमीन के अंदर उगने वाले फल और सब्जियों का दान करें। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनके थ्रू आप अपने बृहस्पति को स्ट्रांग बना सकते हो। ये वो उपाय हैं जो बहुत आसान है, बिना पैसे के हैं, इस पे कोई आपका खर्च नहीं होने वाला है। ऐसे उपाय मैंने आपको बताए। अदरवाइज आप रत्न धारण करके भी, पुखराज धारण करके भी उसको स्ट्रांग कर सकते हो। आप गुरु के जो मंत्र है ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, उसका जाप करके भी आप उसको स्ट्रांग कर सकते हो। लेकिन इन सभी चीज़ों में आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन इन चीज़ों में आपको अपनी आदत बदलने में कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं। हाँ, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन आपका काम जरूर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जो जानकारियाँ हैं वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रह को हम किस प्रकार से स्ट्रांग कर सकते हैं, चंद्र ग्रह अगर आपका कमजोर है तो किस प्रकार की प्रॉब्लम वो दे सकता है और उसके क्या लक्षण हैं जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि हमारा चंद्र ग्रह अच्छा है या नहीं। तो तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।